मैं बगल में ऋषि मिश्रा जी जो पूर्व विधायक हैं, अब सभी परिचित हैं, उधर सारिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, इधर मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता हैं, संजीव मिश्रा जी महासचिव हैं पार्टी के। आज हम लोग जो बुलाए हैं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। हम लोग जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिसके कारण आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। सुशील मोदी जी जो भाजपा के काफ़ी बड़े नेता में जिनकी गिनती होती है, कल उनका जो ट्वीट आया जो मीडिया में चला, जिस जंग से एक जाति विशेष को लेकर उनके द्वारा कुछ कहा गया, आंकड़ा पेश किया गया, जीवेश मिश्रा जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके द्वारा भी कुछ ऐसी तैसी बातें कही गई, और भी कई लोग उनके जो है सो अपना अपने अपने ढंग से बातों को रखने का काम किया। तो उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, जो गलत भ्रांति और भ्रम फैलाया जाते रहा है, दुष्प्रचार के माध्यम से सत्ता पर जनता दल और भाजपा के लोगों ने कब्जा किया, सत्ता प्राप्त किया, उसके बाद इस 17 साल से केवल गलत झूठ बोलकर और दुष्प्रचार के माध्यम से एक भ्रम फैलाया गया जिसका कोई आधार नहीं है, उन बातों को लेकर और केवल नकारात्मक राजनीति इनका जो है सो जरिया रहा। नकारात्मक राजनीति के माध्यम से 17 वर्षों से बिहार के गद्दी पर बैठे हुए, जबकि जो मौलिक समस्या है, जो आदमी से जुड़ा हुआ जो समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, इस पर कभी किसी के तरफ से कोई बयान नहीं आता और इस हर मामला में फेलियर रहा है। जो सभी आप जानते हैं, जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया, जो मीडिया में भी बातें आते रही है और उस पर चर्चा होती रही, लेकिन हर बार केवल जो है 15 साल पहले का बखान करेंगे जो कि बिल्कुल गलत, इसका कोई आधार नहीं, और उस आधार के आधार पर लोगों में एक भय पैदा करें, काल्पनिक भय पैदा करने का काम ये लोग जो करते रहे। आज स्थिति बदल गई, नई पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी जो है, वो अब चीज़ों को समझने लगी। तेजस्वी जी किसी जंग से इधर ऐसे पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही लोगों ने महसूस किया कि बिहार की जनता तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग मान चुकी थी और उसी के आधार पर वोटिंग भी हुआ, लेकिन हेरा फेरी कर सत्ता में लोग आ गए। अब अभी पिछले दिनों जो बोचान में चुनाव हुआ या विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, उसमें जो स्थितियां बनी, जिस जंग से सर्वस्वीकार्यता तेजस्वी जी के प्रति देखी गई और एक भारी मतों से राजद उम्मीदवार की जीत हुई, तो अब उसके बाद जो सो भाजपा में बेचैनी हो गई। बेचैनी काफ़ी अपलाहट और व्याकुलता उनके बीच में है, जो अब तक जिस ढंग से एक काल्पनिक और एक गलत बातों को लोगों के बीच में रखकर, लोगों के बीच में परोस कर, जो एक समझिए कि मानसिक शोषण जो ही करते रहे हैं, नई पीढ़ी अब उस झांसे में नहीं आई है, नहीं आने वाली, कि वह देख रही है कि तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मामला उठा रहे हैं, महंगाई का मामला उठा रहे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कानून व्यवस्था का, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ समस्या है उसको उठा रहे हैं। इसलिए आज हर जात से, धर्म से, वर्ग से ऊपर उठकर लोगों का समर्थन और विश्वास तेजस्वी यादव के साथ बढ़ रहा है। अब इससे बफलाहट है, बफलाहट के बाद कल सुशील मोदी का बयान आया, एक आंकड़ा उनके द्वारा पेश किया गया कि भाजपा के सरकार में कितने ब्राह्मण को मंत्री बनाए, कितने को जो है सो केंद्र में मंत्री बनाए, ये सब उनका आया। जीवेश मिश्रा का आया, भूरा बाल साफ करो, जो है सो बहुत दिन से चल रहा है भूरा बाल साफ करो, लेकिन कई बार हम लोगों ने चुनौती दिया कि अगर भूरा बाल साफ करो, ऐसा कभी भी अगर लालू जी या राजद के किसी नेता ने अगर कहीं कहा है तो उसका वीडियो क्लिप दिखाइए या अखबार का कटिंग दिखाइए, कुछ दिखाइए आप, क्यों इसी झूठ मूठा प्रचार कर रहे हैं आप, तो उसे दिखाइए। कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन आज तक कभी जो है सो चूँकि है ही नहीं, कोई सच्चाई उसमें नहीं है। अब इसी ढंग से कल जो आंकड़ा उनके द्वारा पेश किया गया,
एक बात सच्चाई है कि ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा समर्थन भाजपा को मिलते रहा है और भाजपा को स्थापित करने में ब्राह्मणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके द्वारा क्या दिया गया, कितने को मंत्री बनाया केंद्र में, कितने को जो है सो बिहार में मंत्री बनाया, आपके सामने में है। हमने जो राजद के बारे में जो उनका आरोप लगा है, हमने बिलावल से आज इसमें हमने लिस्ट दिया है कि राजद की सरकार ने किन किन लोगों को, 7 लोगों को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम किया। ब्राह्मण, मैं केवल ब्राह्मण की बात करता हूँ, भूमिहार को छोड़कर, भूमिहार को मैं जोड़ूंगा तो और ज़्यादा और लंबी स्थिति हो जाएगी। केवल ब्राह्मण का मैं नाम दे रहा हूँ, उसमें रघुनाथ झा, शिवानंद तिवारी, शिवनंदन झा, रामविलास मिश्र, गिरवर पांडे, कृष्ण कुमार मिश्र, रूप नारायण झा, इतने 7 लोगों को मंत्री बनाया राजद सरकार में, ये लोग मंत्री बने। उसके बाद राधानंदन झा जी को मंत्री स्तर का उनको दर्जा दिया गया ब्राह्मण को, इतने माने यह जो है राजद के द्वारा हुआ। मेरा सवाल यह है कि भाजपा बताए कि कई कितने लोगों को 17 साल के शासन में कई ब्राह्मणों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया, कि मंत्री बनाने का काम किया। उसी ढंग से केंद्र में मंत्री बनाने का सवाल है तो केंद्र में रघुनाथ झा को मंत्री बनाए लालू जी, राजमंगल मिश्र को MLC बनाए लालू जी, अभी दो सांसद सरोज दुबे और अभी मनोज झा दो राज्यसभा में मेंबर बनाए। मेरा सवाल है कि भाजपा बताए कि आज तक 17 साल के शासन में कई ब्राह्मण को राज्यसभा में उसने भेजने का काम किया, बताए। और जहां तक बात करता है राजद का तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आपके सामने में रखा है। लेकिन जो ब्राह्मण खून और पसीने से भाजपा को स्थापित करने में जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसकी क्या स्थिति वहाँ पर है, नीतीश मिश्रा जी जैसे सीनियर लीडर जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिनके खानदान का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी की लड़ाई के बाद भी बिहार के विकास में जिस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आदरणीय ललित नारायण मिश्र के भतीजा हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के लड़के हैं, काफ़ी स्कॉलर हैं, और उसके बाद जिस ढंग से उनकी बेइज्जती की गई, और भी नाम है बताएंगे अभी और भी, तो जिस ढंग से बेइज्जती की गई एक लंबी सूची है, एक भी भाजपा के किसी नेता का बयान नहीं आया, किसी ने उसको कंडेम नहीं किया, कोई माफ़ी नहीं मांगने का काम किया। और बात करते हैं कि ब्राह्मणों के जितना ब्राह्मणों ने जिस ढंग से भाजपा को बढ़ाने का काम किया और ब्राह्मणों के साथ जिस ढंग से अपमानित किया जाता है भाजपा में, उसका मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और राजद ने क्या किया आपके सामने हम सूची हमने रखने का काम किया है, तो केवल यह गुमराह करके लोगों के बीच में एक काल्पनिक भय पैदा करके इतना दिनों तक यह जो है सो सत्ता में बने रहे हैं। और केवल इसके पीछे है कि जो मौलिक समस्या है लोगों का, जो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सवालों से ध्यान भटकाने के लिए केवल एक क्या किए 17 साल में किसी चीज में, नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए, जो NCERB का रिपोर्ट देखिए, हर रिपोर्ट में क्या स्थिति है, केवल झूठ बोलना इन लोगों का मैंने जो है सो पैसा है, उसी के बुनियाद पर इनकी राजनीति टिकी हुई है, झूठ बोलकर और जैसे फड़फड़ेब करके जुमलेबाजी करके वही इनका आधार रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज बुलाया है, जो सवाल है यहाँ साहब नीतीश मिश्रा की जो बेइज्जती हुई, इस पर भाजपा माफ़ी मांगे वह। और इसके पहले भी आप देख लीजिए ताराकांत झा से जगबंधु अधिकारी तक जिस ढंग से उन लोगों को जो मैंने बेइज्जत किया गया भाजपा में, वैसे सीनियर लीडरों के साथ क्या व्यवहार किया गया, और आज जो है सो भाषण देते हैं और ट्वीट करते हैं सुशील मोदी और जो है सो भाजपा के जीवेश मिश्रा जी, तो इसीलिए आज आप लोगों को हम बुलाए हैं। और अब और भी कई लंबी सूची हो जाएगी अगर जो से गिनाना शुरू करें। सुशील मोदी जी जो कल बोल रहे हैं, एक चीज तो हम लोगों को समझ में आ गई, वोट का चोट जो है ना बहुत जोर का लगा है उन लोगों को, भाजपा में वोट का चोट जो अभी लगा है बहुत जोर से लगा है। पिछले 17 साल से आप लोग सत्ता में हैं,
ब्राह्मण की क्या स्थिति रही है कोई चिंता नहीं था अब तक उन लोगों को, और अब जाके उनको ख्याल आ रहा है कि ब्राह्मण का हम लोगों ने सम्मान किया। 17 साल बाद आज उन लोगों को याद आ रहा है ब्राह्मणों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने, इनफैक्ट सब लोगों ने भाजपा को बिहार में खड़ा किया। जैसा कि अभी सब ने कहा है, खून पसीना से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सींचा है। हम मिथिलांचल की बात करते हैं, मिथिला में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पहचान किसने दिलाया? पंडित ताराकांत झा जी ने। स्थिति क्या हुई उनकी? छोड़ना पड़ा भारतीय जनता पार्टी उनको, एक टर्म उनको स्पीकर नहीं बना पाई है। हमारा मानना है, देखिए सर ने अभी गिनाया है कि हमने इतना मंत्री बनाया, हम लोग जो है पद के भूखे नहीं है, मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के साथ किया है, ब्राह्मणों के साथ किया है, अग्नि जाति के साथ किया है, सम्मान के साथ क्यों खेल रहे हो भाई? मंत्री मत बनाइए आप, लेकिन जो उनका उचित अधिकार है, उनका जो उचित हक है वो तो मिलना चाहिए। आप राष्ट्रीय जनता दल, आप राष्ट्रीय जनता दल पे अपने लगाते आरोप लगाते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी हमको तो नहीं पता था, हमको अब जाके पता चला है कि 20-20 मंत्री सामान्य वर्ग से हुआ करते थे। जात की राजनीति करने का आरोप आप लोग हम पे लगाते हैं। मोदी जी क्यों बोल रहे हैं ये लाइन कि हम लोगों ने सम्मान दिया है वहां पे ब्राह्मणों को, क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? जात की राजनीति तो आप नहीं करते हैं, आप लोगों को हम पे आरोप लगाते हैं, आरजेडी करता है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मिथिलांचल में मैथिल ब्राह्मण जो है मिथिलांचल से चुनाव नहीं लड़ेगा तो भैया कहां से लड़ेगा? दरभंगा शहर का जो हम एक सीट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, 70,000 मैथिल ब्राह्मण है, और पिछले 4 टर्म से जिस व्यक्ति का 5,000 जो बेस वोट है वो वहां पे विधायक है, सुशील मोदी जी के आदमी है। क्यों नहीं मैथिल ब्राह्मणों को वहां पे आपने चुनाव लड़ाया? इतने अच्छे अच्छे उम्मीदवार थे वहां पे, क्यों नहीं आपने लड़ाया? आप राष्ट्रीय जनता दल से अपने आप को कंपेयर करते हैं। मिथिला में जितने ब्राह्मणों को आपने दिया टिकट, राष्ट्रीय जनता दल और अलायंस पार्टनर ने भी उतना ही सीट दिया था। आपने एक सांसद दिया, वो जनता ने चुन के भेजा है उनको, गोपाल जी ठाकुर को। लालू जी ने अपने कलम से मैथिल ब्राह्मण को सम्मान दिया, मनोज झा जी को सांसद बनाया। क्या बात करता है ये लोग भारतीय जनता पार्टी का, क्या बात करेंगे हमसे? हाँ, आपके माध्यम से जो मिसगाइड करते हैं लोगों को, तो अब तक 17 साल से लोगों को मिसगाइड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब हम लोग भी समझ चुके हैं, समाज भी समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी यूज और थ्रो में खेल है। अरे भाई यार, अगर आप लोगों को याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब अटल जी को नहीं छोड़ा, मास्क बोला था ना, मुखोटा बोला था ना, किसको बोला था मुखोटा? आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोला है कि अटल जी के साथ जो हुआ है उस समय नहीं होना चाहिए था? किसी ने बोला, माफी मांगा किसी ने? तो भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, और समाज समझ चुका है, जागृत हो चुका है, और हम तो आपके माध्यम से समाज से भी अपील करना चाहेंगे आज कि एक बार हमारे नेता तेजस्वी जी के साथ जुड़िए। युवा व्यक्ति हैं ये, युवा सोच रखते हैं, जो एस्पिरेशनल युवा है जिसको अपना फ्यूचर देखना है। हम तो मिथिला के लोगों के, जो वहाँ के जो युवा है, हम तो उनसे बात कर रहे हैं कि आप अपना भविष्य देखिए कि 10 साल बाद आप कहाँ रहिए। या आज जो स्थिति हो गई है वहाँ पे, तो हमारे साथ जुड़िए, और हम लोग ईमानदारी से मान सम्मान के साथ आपको राष्ट्रीय जनता दल में स्पेस मिलेगी। तो सब लोग बोल ही दिए हैं, जैसे मिश्रा जी, गगन जी, सब लोग बोल ही दिए। एक बात है कि जिस बुरा बाल को लेकर के लगातार बीजेपी के नेता ताल ठोकते हैं, तो जिस बीजेपी ने बुरा बाल का जिक्र करके अपनी राजनीति चमकाई या सत्ता में आए,
जिसका थोक भाव में वोट दिया, तो पूरा बुरा बाल का कर दिया बीजेपी ने बुरा हाल, और अपने तो बीजेपी हो गई माला माल और बुरा बाल सब हो गए हैं बेहाल। अब बुरा बाल को ठाना है बुरा बाल वालों ने, अब बीजेपी का करेंगे खस्ता हाल। वो हाल हो जाएगी बीजेपी का कि फिर बीजेपी भूल जाएगी। अगर बीजेपी ने छेड़ा है तो यहाँ छोड़ने के लिए भी तैयार लोग नहीं है, इसलिए कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा। आज कौन अगर नौकरी मिलेगी रोजगार मिलेगी तो भूमिहार ब्राह्मण सभी जात सभी धर्म के लोगों को मिलेगी। इसलिए हमारी पार्टी के नेता ने ये तय किया है और उन्होंने स्थापित किया है अपना मॉडल A to Z का। इसमें कोई धर्म की और जात और पात की नहीं, मुद्दे की बात और काम की बात पर ही राष्ट्रीय जनता दल वोट जनता के बीच में मांगेगी। ये हमारा जो मॉडल है उस मॉडल से भाजपा घबराई है, इसलिए अब भाजपा को याद आ रही है कि भूमिहार और ब्राह्मण की बात वो कर रही है। ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब बिहार में पूरी तरह से जिस भूरा बाल का भय दिखा करके 17 वर्षों से राजकाज करने वाले बीजेपी को सूद और ब्याज के साथ चुकता करना होगा खामियाजा, ये बात भाजपा वाले अच्छी तरह से समझे। इसमें हम खाली एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, स्पीकर साहब के साथ जो हुआ, जो कोई भाजपा के नेता उनको नहीं डिबेट कर रहा, ऑफ द रिकॉर्ड सब बोलते हैं नहीं बहुत गलत हुआ, मुख्यमंत्री ने बहुत गलत किया, तो बहुत गलत किया तो आके सामने बोलिए ना। स्पीकर साहब के साथ जो उनके साथ जो बेइज्जती हुई आज तक इतिहास में नहीं हुआ, कौन माफी मांगेगा उसके लिए।